वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कॉस्ट्स अंडर कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम आपके सामने में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत प्रयोग में आने वाले विभिन्न लागतों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, फेजेस में होता है, बट नेचुरल है हर एक फेज़ के कॉस्ट को उसी समय में जानने की ज़रूरत है और उस फेज़ के कॉस्ट का विशेष नाम देने की ज़रूरत है। उसी नामों को हम डिफरेंट कॉस्ट्स या विभिन्न लागतों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखें, पिछले वीडियो में हम आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की जानकारी दिए थे। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमारा जो तीन मुख्य तत्व था, पहला था मटेरियल, दूसरा था वेजेस, तीसरा था ओवरहेड्स। और यह भी हम देख चुके हैं कि ये सभी एक्सपेंसेस दो नेचर का होता था, आइदर ऑफ डायरेक्ट नेचर मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और इनडायरेक्ट नेचर दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। जैसा कि हम देखें, ये सभी एलिमेंट्स जो है वो दो नेचर का होता है। डायरेक्ट नेचर का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जिसका सीधा संबंध उत्पादन से, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और दूसरा इनडायरेक्ट नेचर का जिसका सीधा संबंध उत्पादन से नहीं है बट इम्पॉर्टेंट टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। सस्ता और अच्छा बनाने के लिए इसकी उपयोगिता है, इसकी ज़रूरत है। अब प्रश्न ये उठता है कि डिफरेंट कॉस्ट्स की जब बात करते हैं, तो जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रोडक्शन में जिस प्रोसेस में काम को हम आगे बढ़ाएंगे उसके कॉस्ट को जानेंगे, कॉस्ट को जानते रहेंगे, दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, मार्केट से कंपेयर करते रहेंगे, तभी हम आगे अपना स्टेप और अलर्ट होकर के और सावधानीपूर्वक और इकोनॉमिकल तरीके से और मिनिमम कॉस्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम बिल्कुल अनजान रहेंगे, अनअवेयर रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रयास जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। इन्हीं कारणों से हर फेजेज या स्टेजेस के कॉस्ट के वैल्यू को जानना है और फिर उसको कंपेयर करना है मार्केट से, अदर प्रोड्यूसर से, इवन अपने खुद के प्रोडक्शन कॉस्ट से, प्रीवियस लेवल प्रोडक्शन कॉस्ट से। इसी सब कारणों से अब हम स्टेजेस वाइज, फेज वाइज एक विभिन्न आइटमों के प्रेजेंटेशन या अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, दुनिया में कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो मटेरियल इज़ द बेसिक प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन। विदाउट हैविंग मटेरियल देर इज़ नो क्वेश्चन टू प्रोड्यूस एनीथिंग। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी प्रोड्यूसर कुछ भी नहीं बना सकता है बिना मटेरियल के। तो मटेरियल हमारा सबसे बेसिक या सबसे पहला एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन है, सबसे पहला काम है, खर्च करना पड़ेगा सबसे पहले मटेरियल में। उसके बाद हम जैसा कि जानते हैं, वेजेस चार्जेस पे करना पड़ता है, वेजेस इज़ आल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज मटेरियल, उसी समय में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना भी उत्पादन नहीं हो सकता है। और फिर आखिर मटेरियल मार्केट में मिल रहा है, हमारे प्रोडक्शन प्लेस में नहीं है, वहाँ से यहाँ तक कैरी करने में जो चार्जेस लगता है, कैरेज चार्जेस या कैरेज इनवर्ड के नाम से जो एक्सपेंसेस होता है, या उस मोमेंट में जितने खर्च किए जाते हैं, उन सभी को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस का टर्म या नाम दे देते हैं। और इन सभी को कंबाइंड कर देंगे, इन सभी एक्सपेंसेस को जब हम कंबाइंड कर देंगे, तो टोटल ऑफ ऑल सच एक्सपेंसेस और मटेरियल वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंसेस इज रिप्रेजेंटेड एज प्राइम कॉस्ट और बेसिक कॉस्ट। तो सबसे पहला कॉस्ट हमारे सामने में आया, प्राइम कॉस्ट। इसके पश्चात निश्चित रूप से प्रोडक्शन जो है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम नॉट वेरी बिग जीरो, शून्य से नहीं, जहाँ तक काम कर चुके हैं उसी में और आगे बढ़ना है। तो प्राइम कॉस्ट के बाद, उत्पादन प्राइम कॉस्ट के वैल्यू को जान लेने के बाद, हम प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं फैक्ट्री में। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है फैक्ट्री प्लेस ऑफ प्रोडक्शन होगा, और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं सभी को अगर हम प्राइम कॉस्ट में कंबाइंड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट की जानकारी हो जाने के पश्चात, जिसे हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं, तो हर एक प्रोड्यूसर्स का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोड्यूस एट मिनिमम कॉस्ट एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। और इसके कारण से पैरेलल, फैक्ट्री के पैरेलल ऑफिस भी मेंटेन करता है, ऑफिस की कार्यवाही भी करता है। हाँ, अगर साइज़ ऑफ प्रोडक्शन हमारा छोटा है तो शायद हमारा ऑफिस एक रजिस्टर में होगा, थोड़ा बड़ा है तो एक टेबल पर दो चार रजिस्टर में होगा, या और भी साइज़ ऑफ प्रोडक्शन बड़ा है तो पैरेलल फैक्ट्री बिल्डिंग के पैरेलल हमारा ऑफिस बिल्डिंग भी होगा। तो इस तरीके से प्रोडक्शन के क्रम में ऑफिस से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इफ़ ऑल सच एक्सपेंसेस कंबाइंड टुगेदर
added with factory cost is equal to known as office cost or cost of production. इसे हम office cost या cost of production के नाम से जानते हैं. इसके पश्चात क्या होता है? तो निश्चित रूप से जितने भी सामान को हम बनाए हैं, बनाने के पश्चात अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेल आउट, उसे बेचना हमारा मकसद है. तो बेचने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, एक्सपेंस करने पड़ते हैं, एंड ऑल सच एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज टोटल कॉस्ट. और जब टोटल कॉस्ट की जानकारी हो जाती है, तब हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस फिक्स कर देते हैं. तो सेलिंग प्राइस फिक्स करने के पर्पज़ से भी हमें इस डिफरेंट कॉस्ट्स के वैल्यू को जानने की ज़रूरत है. साथ ही साथ मिनिमम कॉस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्शन करने के लिए भी इस डिफरेंट कॉस्ट को जानने की ज़रूरत है. तो ये जो हमारा डिफरेंट कॉस्ट आया, वो इस तरीके से आया. सबसे पहले हम किन मद में खर्च करेंगे? तो मटेरियल में. फिर क्या करेंगे? तो वेजेस चार्जेस पे करेंगे. फिर इसी के जैसा इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? चार्जेबल एक्सपेंस. इन सब को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट. इसके बाद फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, जिसे हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से जानते हैं. फैक्ट्री कहें या वर्क्स प्लेस यानी प्रोडक्शन का स्थान को हम वर्क्स एक्सपेंसेस के भी नाम से जानते हैं. इन सब को हम कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. इसके पश्चात जैसा कि बतलाए, पैरेलल हमारा ऑफिस चलता है, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको कंबाइंड कर देंगे. तो ऐसा करने पर जो आएगा वो हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट. इसके पश्चात हम जैसा कि बतलाए, चीज़ें बन गई, बन करके तैयार हो गई, तो मकसद हमारा सेल है. तो इसके बाद हम सेलिंग नेचर एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा, जिसमें हम प्लस करेंगे प्रॉफिट को. और ऐसा करने के बाद जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेल्स या सेलिंग प्राइस. इस तरीके से सेलिंग प्राइस बिजनेसमैन प्रोड्यूसर्स फिक्स करता है. अब प्रोड्यूसर्स की जब हम बात करते हैं, तो हर एक प्रोड्यूसर्स के पास में तीन तरह का मटेरियल पाया जाता है. एक होता है उसका मटेरियल जिससे प्रोडक्शन शुरू करता है, दैट इज़ नोन एज रॉ मटेरियल. दूसरा होता है बन जाने के बाद के मटेरियल को हम फिनिश्ड मटेरियल कहते हैं. इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में, ओपनिंग के बाद और फिनिश्ड के पहले के मटेरियल को हम पार्टली फिनिश्ड मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस WIP के नाम से जानते हैं. तो अब हमारे सामने में ये क्वेश्चन है कि मटेरियल के इस डिफरेंट फॉर्म को प्रोडक्शन या डिफरेंट कॉस्ट की जानकारी में किस प्लेस में हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे. तो निश्चित रूप से जब हम बिगनिंग की बात करते हैं, तो बिगनिंग में क्या होता है? रॉ मटेरियल से होती है प्रोडक्शन की बिगनिंग होती है रॉ मटेरियल से. रॉ मटेरियल में भी ओपनिंग रॉ मटेरियल हो सकता है. प्रीवियस ईयर लेवल में जब प्रोडक्शन हम स्टार्ट किए थे, जरूरी नहीं कि जितना रॉ मटेरियल परचेज किए थे सब कंज्यूम कर देंगे. जैसा कि हम बताए, प्रोड्यूसर्स हमेशा मार्केट के टच में रहता है और देखता रहता है कि कितना बनाना चाहिए जो हम बेच पाएँ. अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज कर लिया गया है, उतना बिकना संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से वो रॉ मटेरियल को का कुछ पार्ट रिटेन करके, रोक करके रख लेता है. दैट इज़ नोन एज क्लोजिंग रॉ मटेरियल ड्यूरिंग प्रीवियस प्रोडक्शन प्रोसेस. अब वो जो प्रीवियस क्लोजिंग है, वो इस फेज़ के प्रोडक्शन में वो ओपनिंग हो जाएगा. तो हर एक प्रोड्यूसर्स के पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग वैल्यू हो सकता है. परचेजेस अंडरस्टूड एज परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि प्रोड्यूसर्स उत्पादन करेगा, उत्पादन के लिए कच्चा सामान खरीदेगा, तो परचेजेस जस्ट है, तो हम हमेशा उसे एज्यूम करेंगे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल. इसके अलावा और भी कहीं किसी सोर्स से रॉ मटेरियल आया है, तो सब इंक्रीज करेगा हमारा रॉ मटेरियल के क्वांटिटी को और वैल्यू को. और रॉ मटेरियल अगर कोई वेस्ट हुआ, आउट हुआ, सोल्ड हुआ या क्लोजिंग हुआ, तो निश्चित रूप से जो मटेरियल हम यूज़ किए हैं वो उस मालूम करने के लिए इन सबको माइनस करेंगे. तो ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस रॉ मटेरियल इन, कहीं से भी रॉ मटेरियल आया,
माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आउट, वेस्ट सोल्ड। किसी भी कारण से रॉ मटेरियल का अगर यूज़ हम इस प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं किए हैं, बिक जाने के कारण से या दूसरे साइट पर दे देने के कारण से कहीं भी गया है, तो सबको माइनस कर देंगे। और ऐसा करने पर प्राइम कॉस्ट से भी पहले अब एक और हमारा कॉस्ट आ गया, जिसे हम मटेरियल यूज्ड के नाम से जानते हैं। या मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं। तो जैसा कि हम बतलाए अभी, मटेरियल का तीन रूप पाया जाता है। एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है पार्टली फिनिश्ड मटेरियल, और तीसरा है फिनिश्ड मटेरियल। इसमें भी तीन बातें पाई जाती है, जैसा कि बतलाया, ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है, परचेजेस हो सकता है। लेकिन बीच के स्टेज में भी जब प्रोडक्शन करेंगे तो हो सकता है इस बार हमें लगेगा नहीं इतना बिकेगा, तो क्लोजिंग हो सकता है, पिछली बार का बचा हुआ ओपनिंग हो सकता है। इसे ही हम WIP या वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से भी जानते हैं। फिनिश्ड में भी जितना बन गया जरूरी नहीं बिक जाएगा, क्लोजिंग हो सकता है, प्रीवियस ईयर का अगर क्लोजिंग है तो वो ओपनिंग हो सकता है। तो मैक्सिमम मटेरियल का इतना डिफरेंट फॉर्म पाया जाता है। अब इस डिफरेंट फॉर्म की अकाउंटिंग का प्लेस कहाँ होगा? निश्चित रूप से जैसा कि बतलाया, रॉ मटेरियल की अकाउंटिंग का प्लेस हमारा सबसे बिगनिंग में होगा। अब पार्टली फिनिश की बात करते हैं, तो मटेरियल का कोई भी संबंध ऑफिस से तो है नहीं, तो इससे कोई संबंध नहीं है मटेरियल का। तो निश्चित रूप से इसके बाद क्या बच गया? निश्चित रूप से इसके पहले हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के पहले और प्राइम कॉस्ट के पहले दो स्थान बच गया है। तो ये जो पार्टली फिनिश्ड मटेरियल है, क्वेश्चन में तीन तरीके से दिए जाते हैं। एट प्राइम कॉस्ट, एट फैक्ट्री कॉस्ट, या सिर्फ WIP रहता है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एट फैक्ट्री कॉस्ट और एट प्राइम कॉस्ट, कुछ नहीं रहता है, सीधे रहता है WIP। तो हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन में WIP एट प्राइम कॉस्ट है तो इसकी अकाउंटिंग बिफोर प्राइम कॉस्ट होगी। हमारे कहने का मतलब, प्राइम कॉस्ट से पहले यहीं पर प्लस ओपनिंग WIP करेंगे, माइनस क्लोजिंग WIP करेंगे, और तब जा करके हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट। यदि ये एट फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है तो इस कंडीशन में इसकी अकाउंटिंग का प्लेस जो होगा वो बिफोर फैक्ट्री कॉस्ट होगा, जस्ट बिफोर फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट के जस्ट पहले यहां पर हमारा ओपनिंग WIP प्लस होगा, माइनस क्लोजिंग WIP होगा, तब जाकर के हमारा आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर जस्ट WIP दिया हुआ है, नो एट प्राइम कॉस्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब आप बिल्कुल फ्री हैं, आपकी मर्जी, या यहाँ पे यूज़ कीजिए या यहाँ पे यूज़ कीजिए, आइदर ऑफ दीज टू प्लेसेस, किसी एक स्थान पर ही इस्तेमाल करना है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपकी मर्जी, किसी भी स्थान में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एट प्राइम कॉस्ट है तो प्राइम कॉस्ट के पहले ही लिखना है, ओपनिंग को जोड़ करके क्लोजिंग को घटाना है, और एट फैक्ट्री कॉस्ट है तो फैक्ट्री कॉस्ट के पहले ही ओपनिंग को जोड़ना है और क्लोजिंग को घटाना है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। अब बात बच गई फिनिश्ड मटेरियल की। निश्चित रूप से फिनिश्ड मटेरियल मतलब बन गया सामान, उसके बाद बचा हुआ है, इसका यूज़ कहाँ पे होना चाहिए? तो निश्चित रूप से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद होना चाहिए। ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्शन का स्टेज है। तो इसी के आगे हम प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश्ड, और ऐसा करने से एक और कॉस्ट हमारे सामने में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ सेल्स।
और इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। फाइनली हम कह सकते हैं इस तरीके से हमारा जो डिफरेंट कॉस्ट आया उसमें सबसे पहला मैक्सिमम क्या आ सकता है, तो मटेरियल यूज्ड। दूसरा क्या आएगा, तो प्राइम कॉस्ट। तीसरा क्या आएगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट। चौथा क्या आएगा, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पांचवा क्या आएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स। छठा में क्या आएगा, तो टोटल कॉस्ट एंड देन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेल्स। इस तरीके से इन डिफरेंट कॉस्ट के प्रेजेंटेशन की जानकारी हम आपको इस प्रेजेंट वीडियो में दिए। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो निश्चित रूप से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट सीट के प्रिपरेशन का स्पेसिमेन नमूना की जानकारी हम विस्तार से अगले वीडियो में प्रेजेंट करेंगे और वहीं से हमारा प्रैक्टिकल नेचर के क्वेश्चन के बनने की शुरुआत हो जाएगी। उसी फॉर्मेट या स्पेसिमेन पर हमारा बेस्ड होगा अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड टू कॉस्ट, कॉस्ट से संबंधित उत्पादन से संबंधित अकाउंटिंग की शुरुआत हमारा उसी फॉर्मेट से उसी प्रारूप से हो जाती है। अगले वीडियो में हम उसी फॉर्मेट को विस्तार से जानकारी देंगे, साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में किसी भी लेवल का एग्जाम हो जहाँ पर भी सिलेबस में ये पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन बन जाता है, गिव ए स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और गिव ए स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट सीट। तो अब तक जो हम जानकारी दिए हैं वो बेसिक चीज़ें हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की और उससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में अनिवार्य रूप से आएगा। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। इसके पश्चात हम आपको बतलाए हैं पिछले वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, इसकी विस्तार से जानकारी देना। नेक्स्ट हम बतलाए हैं डिफरेंट कॉस्ट्स जो अभी हम जानकारी दिए। अगले वीडियो में हम बतलाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट सीट का स्पेसिमेन नमूना। ये सभी थियोरेटिकल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी विस्तार से जानकारी बहुत ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंटिंग पार्ट को शुरू करने से पहले। इन्हीं कारणों से हम विस्तार से इनकी जानकारी आपको अब तक के वीडियो में प्रेजेंट किए हैं। हमारे वीडियो को रेगुलर देखना चाहिए, इससे स्टेप वाइज आपकी समस्या की जानकारी या समाधान होती चली जाएगी। इतना ही नहीं, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट बुक में है तो बुक कोई भी हो आप उस नेचर के उस पार्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ऐसा करने से आसानी से आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत आता है तो आप अपनी बात को कमेंट में रख सकते हैं, जिसकी जानकारी जिसका सॉल्यूशन हम प्रेजेंट करेंगे। अगर कमेंट में कुछ व्यापक प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से अलग से वीडियो प्रेजेंट करेंगे, बना करके हम देंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो वहीं पर उसका जवाब दे देंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।